जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया टीम ने बड़ी ही शान से जगह बनाई है। इसके बाद इंग्लैंड की टीम के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर मोंटी पनेसर ने एक बड़ा दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत फाइनल में पहुंच चुकी है, तो ऐसे में दावे होने तो लाजमी सी बात है कि कौन सी टीम खिताब अपने नाम कर सकती है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि इसके बाद इंग्लैंड की पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर मोंटी पनेसर ने एक बड़ा दावा किया है और बताया है कि कौन सी टीम खिताब जीतने की दावेदार है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च और डाटा एनालिसिस के अनुसार ही ये सारी बातें कही हैं। इंग्लैंड की टीम के पूर्व दिग्गज मोंटी पनेसर का कहना है कि भारत इस साल जून में होने वाले पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत सकता है। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए चौथे टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को इंग्लैंड को पारी और 25 रनों से अंतर से हरा दिया और 4 मैचों की सीरीज 3-1 से जीत ली। तो ऐसे में सबका ध्यान उनकी तरफ गया। इस तरह टीम इंडिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में जगह बना ली, जहाँ 18 जून से भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ महामुकाबले में उतरना है। ये इस टूर्नामेंट का पहला सत्र होगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम का हिस्सा बने मोंटी पनेसर ने न्यूज एजेंसी INS से बात करते हुए कहा कि मेरी राय में भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत सकती है। भारत एक अच्छी टीम है और उसने हाल ही में बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया, जहां न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, लेकिन भारतीय टीम ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मुकाबले खेले थे और दोनों ही मैचों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी। इस टूर्नामेंट को टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहा जा रहा है। पनेसर ने इंग्लैंड की हार पर कहा कि इंग्लैंड की पिचों पर तेज गेंदबाजों को ज़्यादा फायदा पहुंचता है, लेकिन यहां स्पिन गेंदबाजों को फायदा मिलता है। मुझे लगता है कि फाइनल मुकाबला 4-5 दिन चले, क्योंकि यह पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि मेरी राय में उस मैच में सपाट पिच होगी। और 38 वर्षीय पनेसर ने इंग्लैंड के लिए 50 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 167 विकेट अपने नाम किए हैं, तो यानी कि एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। पनेसर ने 2006 में नागपुर में भारत के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेला था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ के जा रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या न्यूजीलैंड खिताब जीतेगी या फिर टीम इंडिया। उम्मीद तो टीम इंडिया की है दोस्तों, क्योंकि हम फैंस भी टीम इंडिया के ही हैं, लेकिन चाहते हैं कि कड़ा मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि बिना कड़ा मुकाबला के फाइनल की जीत का मजा थोड़ा किरकिरा हो जाएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।